वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हमने इस पिछले दो क्लासेस में डिस्कस किए कि भाई माइक्रो होता क्या है, कितने टाइप्स हैं और कैसे लिखते हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो के क्या यूज है, इन सबों के बारे में जाना। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग जब भी हम लिखते हैं तो हमारे पास चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन होता है, वैसे इसमें होता है चार ऑब्जेक्ट, जैसे वर्कबुक, सीट्स, रेंज और एक हमारा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को फिलहाल हम स्किप करते हैं, इसको बीच बीच में हम सीखते रहेंगे। तो मेनली ऑब्जेक्ट होता है वो होता है वर्कबुक, सीट्स और रेंज। मतलब कि जो वर्कबुक पे इफेक्ट होने वाली आपके लाइन ऑफ कोड है वो वर्कबुक से स्टार्ट होती है, सीट्स पे होने वाली सीट से होती है और रेंज होने वाली रेंज से होती है। तो अगले तीन क्लासेस में हम एक एक चीज को एक एक तरीके से जानेंगे वन बाय वन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कबुक पे, मतलब कि वर्कबुक से आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो अभी जो कोड बता रहे हैं, जैसे आपको कोड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोड परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोग उसको माइक्रो के थ्रू में खुद से परफॉर्म कीजिएगा। बस आप लिखने का तरीका आपको समझिए और इमेजिन, जैसे कि कोड को खुद से कैसे डिसाइड करेंगे क्या कोड हो, इस पे देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एक नया वर्कबुक तैयार करना है तो कैसे करें। एक नया वर्कबुक तैयार करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट एड, एक कंट्रोल एन करेगा, एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर देगा। इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बात होती है कि जो नई वर्कबुक हुई है उसको सेव कैसे किया जाए। तो सेव, देखिए कोई भी कोड लिखने का तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट वर्कबुक्स, ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो ब्रैकेट में उसका नाम देना होगा, जैसे कि बुक वन डॉट xlsm, xls। डॉट सेव एज, और कहां पे करना है तो ई ड्राइव में वन, वन टू थ्री डॉट xls। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी वर्कबुक का ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है कि बुक वन होगा, बुक टू होगा, बुक थ्री होगा। तो उस केस में हम एक्टिव वर्कबुक, क्योंकि हम जानते हैं जो वर्कबुक ऐड होती है वही एक्टिव होती है, तो यहाँ पे हम एक्टिव वर्कबुक ले लेंगे और कर देंगे सेव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक बोथ आर द सेम, पर डिफरेंस क्या है कि वर्कबुक्स में आप एक पर्टिकुलर वर्कबुक की बात कर रहे हैं और एक्टिव वर्कबुक में जो आपका वर्कबुक एक्टिवेट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर ये पता है कि मुझे वर्कबुक ऐड करने के बाद मुझे उसको सेव करना है तो डायरेक्ट सेव क्यों ही वर्कबुक को ले सकते हैं कि वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज। आप यार ये कोड लिख सकते हैं। तो अगर आपको जस्ट वर्कबुक ऐड करनी है उसके बाद सेव करना है तो ये मेथड है। आपको पता है कि कौन सी फाइल को सेव करना है, किसी अभी ये जो कोड है वो सिर्फ आपके एक्टिव वर्कबुक का, मतलब वो वर्कबुक नहीं जो क्रिएट हुई है उसी का नहीं, किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मुझे सेव चाहिए तो ला सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कोड में तो दो चीज होती है, ऑब्जेक्ट और एक्शन होता है, इस पर तीन चीजें क्या होता है? देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मेंबर एंड उसके सब मेंबर, तो सेम सब मेंबर भी कहलाता है इसमें। तो ऐड हो गया मेंबर और सेव एज हो गया उसके सब मेंबर। इस तरह से हम तीन ऑब्जेक्ट भी एक साथ लिख सकते हैं। क्लियर है अमित जी एंड सौरभ जी? हाँ तो फाइल को क्रिएट करना और सेव करना आपको आ गया, क्योंकि तो ये जरूरी है, इसका यूज हम बहुत करते हैं अपने लाइफ में। जी अगर आपको फाइल को जस्ट सेव ही करना है, सेव नहीं करना है, तो हम लिखेंगे वर्क बुक बुक्स
कोई पर्टिकुलर फाइल का नाम पता है आपको या फाइल फिक्स है तो उसका नाम भी एक्सटेंशन और डॉट सेव कर सकते हैं। नहीं आपको पता है कि वो फाइल एक्टिव है तो एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे थे आप अमित जी? ना बस मैं पूछ रहा कि ये एक बार कोड लिख कर कि मैक्रो अगर आरआर का मैक्रो रन करेंगे तो किसी भी एक्टिव वर्कबुक में वो सेव इजीली हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले आपको बोला कि मैं आपको जस्ट कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैं मैक्रो नहीं रन कर पाऊंगा। नहीं नहीं रन करने की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पर ये इसके लिए सही रहेगा इसलिए यूज करते हैं नॉर्मली। समझे क्या बोल रहे हैं? बोला बोले पूछ रहा हूँ। हाँ जी ये जो कोड लिखा ना वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, अब अगर इस मैक्रो आरआर मैक्रो को रन करते हैं अगर तो वो ऑटोमेटिक बुक वन के नाम से सेव हो जाएगा। तो कोई भी एक्टिव वर्कबुक होगी तो वो मैन्युअली नहीं लिख के शॉर्ट में हो जाएगा। इसके हिसाब से ये मैक्रो रन करना अच्छा है, यही मतलब है ना? हाँ मतलब है। ये समझिए ना कि जैसे कि आप पहले आपने वर्ड सीखा ना, फिर वर्ड कई वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बनाया, उसी तरह से हम लाइन ऑफ कोड सीख रहे हैं और कई लाइन ऑफ कोड को जोड़ के हम प्रोग्राम बनाएंगे। समझ गए? इंग्लिश में आप वर्ड सीखते थे ना, राम इज गुड बॉय, दोनों के इकट्ठा बोल कर दिया राम इज गुड बॉय। ऐसे यहाँ पे हम लाइन ऑफ कोड सीख रहे हैं कि फाइल को क्रिएट करने का कोड क्या है, सेव एज करने का कोड क्या है, सेव करने का कोड क्या है, और फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सारे लाइन ऑफ कोड को लिखेंगे और उससे हमारा एक माइक्रो बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है? अभी आपको लाइन ऑफ कोड समझा रहे हैं, उससे आपको दो चीजें फायदे होगी, एक तो पता चल जाएगा किसका क्या कोड है और दूसरा लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। और ये ऊपर जो जनरल लिखा हुआ है ना, जो सबसे ऊपर वो जनरल ही रहना चाहिए हमेशा, वो उसमें रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो फिक्स रहता है, वो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं, वो इवेंट मैक्रो में चेंज करते हो आगे हम बताएंगे। ओके हमने वर्कबुक को क्रिएट करना सीख लिया, अब कोई अब तो एक तो नई वर्कबुक को आपने क्रिएट किया, सेव एज किया, सेव किया, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी की वर्कबुक होगी तो उसको तो ओपन करना पड़ेगा ना। तो किसी वर्कबुक बुक्स को ओपन करना कैसे जानेंगे? तो वर्कबुक्स डॉट ओपन, और कहां से ओपन करना है उसका पाथ आपको देना है। अब यहां बोलेंगे सर वर्कबुक में हमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं डाला, क्योंकि पर्टिकुलर फाइल की बात हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा जो फाइल ओपन होने वाला है ओपन नहीं हुआ है, तो ब्रैकेट में हम उसी को देते हैं जो हमारा ओपन है, ऑफिस लाइब्रेरी में है, ओपन है। दूसरी चीज कि जस्ट आप सेव एज या सेव करते हो, इसके अलावा भी एक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि फाइल आप ओपन कर रहे हैं 1 2 3, हो सकता है इस फाइल में पासवर्ड लगा हो, तब स्पेस मारिए यहाँ पे कर सकता हूँ स्पेस मारिए, तो इस सारे इसके साइन टेक्स्ट है, जैसे फॉर्मूला लगाते थे नजर आप एक्सेल में, एक्सेल में फॉर्मूला में कई सारे इनपुट्स होते थे, जैसे इफ लगाया था इफ में कई सारे इनपुट है, ऐसे यहाँ पर है। तो इसमें दो चीज देखिएगा कि जो इनपुट आपके बड़ी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो रिक्वायर्ड है, वो देना ही पड़ेगा। अपडेट लिंक, रीड ओनली, फॉर्मेट, पासवर्ड, ये सब बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में तो ऑप्शनल है। तो मुझे इस फाइल में मेरा पासवर्ड लगा है, मुझे पासवर्ड डालना है, तो मैं एक कॉमा करूंगा तो अपडेट लिंक पे आया, फिर एक कॉमा किया तो रीड ओनली, फिर कॉमा किया तो फॉर्मेट, अब इसमें क्लिक किया तो पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 4 8 5 4 इसका पासवर्ड है, एक पासवर्ड हो गया। ठीक है सर? सेम उसी तरह से सेव एज आप करते हैं तो यहाँ पे भी इनपुट है कि मुझे पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा किया फाइल फॉर्मेट, एक और कॉमा किया पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, तो इस फाइल में पासवर्ड डाल के सेव करते समय और भी चीजें हैं जो कि आप डाल सकते हैं और ले सकते हैं। क्लियर सर? तो जो डिटेल्स होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आप उनको कॉमा करके कर सकते हैं।
एक दूसरा तरीका भी है डालने का, तो वो हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, फिलहाल आप कॉमा करके ही डालें। अमित जी क्लियर है? सौरभ जी क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमने वर्कबुक को ओपन कर लिया, अब वर्कबुक को ओपन कर लिया तो हमें क्लोज भी करना चाहिए। तो वर्कबुक को क्लोज करने के लिए यहां पे लिखेंगे वर्क बुक्स, और इसके अंदर में हम अपने वर्कबुक का नाम डालेंगे, किस वर्कबुक को क्लोज करना है। तो हमने बोला कि मुझे बुक वन को क्लोज करना है, तो बुक वन डॉट एक्सेस एक्स डॉट क्लोज। वैसे दो चीजें, एक दिन क्लोज आपने किया तो जब भी आप कोई किसी पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करते हैं तो आपसे पूछता है डू वांट टू सेव, दिखाता है आपको। अब यस पे सेव पे क्लिक करते हो या डोंट सेव पे क्लिक करते हो, तो सेव पे क्लिक करना है तो आप यहां पे ट्रू लिखें, नहीं करना है तो फॉल्स लिखें, राइट। एक तो आपका वर्कबुक वन है, मैं यहां पर डालूंगा कि एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव डॉट क्लोज, तो जो एक्टिव फाइल है उसको क्लोज कर देगा। तो हमने फाइल को क्लोज करना भी सीख लिया, तो हमने फाइल क्रिएट करना सीखा, सेव और सेव एज करना सीखा, फाइल को ओपन करना सीखा, एंड फाइल को हमने क्लोज करना सीखा। अब इसमें एक चीज और भी है कि मुझे फाइल में पासवर्ड डालना है, तो मैंने यहां पे लिखा कि एक्टिव वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट, और फिर इसमें हमने स्पेस देके पासवर्ड डाल दिया। तो ये पासवर्ड कौन सा हुआ? रिव्यू के अंदर जो आपका प्रोटेक्ट शीट होता है वो आपका यहां पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, लेकिन मुझे तो उसकी ओपनिंग पासवर्ड डालनी है, तो यहां पे हम लिखेंगे वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, हमने ओपनिंग पासवर्ड डाला। ये कहां जाके डालेगा? ये डालेगा आपको यहां फाइल के इन्फो में, यहां एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये आपकी ओपनिंग पासवर्ड डालेगा। तो समझ में आ गई, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि आपकी इस कोड में इस लाइन से पहले हमने कहीं भी इक्वल का जिक्र नहीं किया है, बट यहाँ इक्वल लगा। क्यों लगा? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे स्पेस लगाना है और कहाँ पे इक्वल? देखिए, मेंबर जो प्रोग्रामिंग भाषा में मेंबर कहा जाता है, और आम हम लोग अपने अपने बोल चाल में बोलते हैं एक्शन। एक्शन दो टाइप के होता है, मेथड एंड प्रॉपर्टी। तो ये आपका प्रोटेक्ट क्लोज सेव एज वगैरह क्या है? मेथड है। और पासवर्ड क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज हमेशा इक्वल के अकॉर्डिंग होता है, और मेथड आपका हमेशा स्पेस पे होता है। तो कैसे पता चलेगा? जैसे आप स्पेस मारेंगे तो यहाँ एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज में स्पेस मारेंगे तो नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी, जब आप डॉट लगा के लिखेंगे तो यहाँ देखिए प्रोटेक्ट में ग्रीन कलर का बॉक्स डला है ना, ये क्या है? ये आपका इससे पता चलता है, सिंबल है कि ये मेथड है, तो इसमें स्पेस लगना है। और जैसे आप इसमें डालेंगे तो हैंड का निशान बनाएगा, प्रॉपर्टी सिंबल जैसे यहाँ पे है ना, तो प्रॉपर्टी का सिंबल बनाएगा, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज है, इसमें हमें इक्वल लगेगा। तो मेथड एंड प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस समझ में आ गया अमित जी एंड सौरभ जी? हाँ जी आ गया, पर वही है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो याद हाँ, रहेगा। प्रैक्टिस करेगी। देखिए प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो इंफॉर्मेशन लेती है और दूसरा देती है। जैसे कि पासवर्ड इसने लिया,
भी है, जैसे कि आपको है कि एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, नेम है तो नेम क्या होगा, ये आपको वापस करेगा फाइल का नेम। तो इसको स्टोरेज पॉइंट कुछ चाहिए, उसके लिए आप ABCD या कुछ ऐसा डाल दीजिए, XYZ, जैसे मैथमेटिक्स में डालते था, इसको हम वेरिएबल्स या टेम्परली सेविंग लोकेशन कहा जाता है। तो एस के ऊपर आपकी एक्टिव वर्कबुक का नाम स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आपका एफ इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल नेम, तो यहाँ पे फुल नेम होता है, फुल नेम। ऐसे आपका इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, फुल नेम में पाथ, नेम में सिर्फ नेम आएगा, फुल नेम में पाथ और नेम दोनों आएगा, और पाथ में सिर्फ पाथ आएगा। तो इसके अलावा कुछ और करते हैं हम फाइल में, हम फाइल के भी हमने फाइल के साथ वही करते हैं ना, हम नई फाइल ऐड करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यही करते हैं ना सर। हाँ लेकिन ऐसे आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे मेंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक या डॉट, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेंबर्स, इस सारे मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर्स इनका नाम आपको पता ही नहीं होगा, तो इन सबों के बारे में भी आपको मैं आगे क्लास में बताऊंगा, क्योंकि तो अभी आप इस सबको समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सबका डेफिनेशन पता करना है कि भाई हर हर एक एक्शन का क्या डेफिनेशन है, तो आप पता कर सकते हैं, कैजुअली पढ़ सकते हैं। कैसे? तो आपको जाना है, एक जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट खुल जाएगी। इसमें आपको यहां देखिए एक्सेल वीवीए रेफरेंस दिख रहा है, इस पे क्लिक, ये एक्सेल का यूजर मैनुअल है, वीवीए का यूजर मैनुअल है सर। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, जो आपका वर्कबुक सेव सेवेज है ना, उसको मॉडल रेफरेंस कहते हैं। अब इसमें यहाँ देखिए आ गया, तो ओवरव्यू है, उसके अलावा इस सारे वीवीए के मेंबर हैं, ऑब्जेक्ट है, पूरे ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको वर्कबुक एंड वर्कबुक्स दो ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, वर्कबुक्स एंड वर्कबुक। वर्कबुक्स मतलब इसकी वर्कबुक ऐड करना, ओपन करना, मैं इसमें किसी पर्टिकुलर फाइल का जिक्र नहीं है, दैट कॉल वर्कबुक। तो इसके भी मेथड एंड प्रॉपर्टीज दो होते हैं, ये आपका मेथड है ऐड करना, क्लोज करना, ओपन करना, ओपन टेक्स्ट ऑफ एक्सएमएल्स है, प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन डाउट क्रिएटर पेरेंट, इसके ये है प्रॉपर्टीज है। ऐसे आपको चले जाए वर्कबुक ऑब्जेक्ट, लेकिन लिखते हैं वर्कबुक्स ही है, वर्कबुक नहीं लिखते हैं। ये आपका वर्कबुक ऑब्जेक्ट, इसके भी आपको यहां पे मेंबर मिल जाएगा, और हर किसी का एक एग्जांपल भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि इवेंट हो गया, इवेंट और एक्शन मोस्टली एक ही है, इवेंट मैक्रो में आपको इवेंट पढ़ाया जाएगा, फिलहाल इवेंट को छोड़ दीजिए आप। यहाँ आपका मेथड आता है, जैसे एक्टिवेट करना हुआ, क्लोज करना हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया। तो इसमें आपको जो आप एक्सेल में जानते हैं ना, उसी चीज को देखिएगा, देखिए देखिएगा, या फिर आप पूरा भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एक्सेप्ट ऑल चेंजिंग, पता है क्या होता है? हेलो, हाँ जी, इसके बारे में पता है क्या होता है? एक्सेल में पीवी आता है, बीवी की बात नहीं कर रहा, एक्सेल में हाँ होता है। हाँ, नहीं ध्यान में आ रहा जी। पता है सर, नहीं अभी जब आप क्या बोलते हैं, आप नेटवर्क में फाइल लगते हैं शेयर्ड करके, शेयर तो समझते ही होंगे, हाँ जी शेयर क्या होता है आपका, जैसे एक ही फाइल पे एक ही टाइम पे दो से चार बच्चे बंदे काम कर रहे हाँ जी हैं,
तो अगर मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ही फाइल पे सेम टाइम काम कर रहे हैं, तो मिस्टर बी ने ए के ऊपर 20 यहाँ पे डिसीज ठीक है, तो जैसे आप सेव करोगे C20 आपको हाईलाइट आ जाएगा और ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू एक्सेप्ट द चेंजेस, मतलब मिस्टर बी ने जो चेंज किया है क्या आपको एक्सेप्ट है, क्लिक कर दोगे कि एक्सेप्ट है तो क्या होगा इस फाइल का पार्ट बन जाएगा 20, रिजेक्ट करोगे तो उसको डिलीट कर देगा, यही चीज यहां पर है ऑल एक्सेप्ट चेंजिंग। तो वीवी के थ्रू कैसे करोगे उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, कैसे अप्लाई करना तो ऐसे अप्लाई करना। तो जो जो चीज आप जानते हैं कि एक्सेल में कैसे है उसी को आप देखिएगा, नहीं तो फिर एक्सेल के बारे में जब तक पता नहीं कीजिएगा तब तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है सर। हाँ इस लिंक पे तो जाना ही है लेकिन कैसे जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो मैं ये लिंक का आप लोगों को मेल कर देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट चल जाएंगे, इतना झमेला नहीं रहेगा जाने। बस जी क्या है अमित जी का मेरा, आपकी क्या ईमेल आईडी कोठारी डॉट अमित, कोठारी क्या सर, अमित अमित 5 हाँ सौरभ जी आपका क्या है, जी SKJEE30। अच्छा आपका तो यहाँ तो है ही, चलिए लिंक क्या वो पीडीएफ फाइल भी आप भेजने वाले थे क्या, वो PDF फाइल बुक कुछ बता रहे थे आप दीदी? की बात कर रहे थे आप, हाँ बुक, हाँ जी तो मैंने बताया बुक के लिए आप एलिजिबल नहीं है सर, बुक मैं खुद भेजूंगा आपको जब आप पढ़ने लायक हो जाएंगे, तो ये अच्छा, आर्टिकल दे रहा हूँ आर्टिकल को पढ़िए ठीक है, और साथ में कोड जो भी आज मैंने समझाया है वो दे देता हूँ, मेरे पास जो बुक है वो बुक क्लियर लिखा हुआ है कि दिस बुक नॉट फॉर द बिगनर, ऑथर ने इस बात को क्लियर लिखा हुआ है। तो वो कौन सी बुक है? विवेक VVM प्रोग्रामिंग सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा मैं आपको, लेकिन अभी भेजूंगा तो आप टाइम पास करेंगे उसमें देख के खामा दिमाग खराब करेंगे, इसलिए मैं आपको वो भी नहीं भेज रहा हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको मैं नहीं बुक है ठीक है, आप हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं 1000 पन्नों का पे ये है आपका बुक है, हार्ड कॉपी आप परचेज कर सकते हैं, ये अमेजोन पे और बाकी साइट्स पे अवेलेबल है, वाई पब्लिकेशन का है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसकी पढ़ी है, मैंने भी बहुत सारी चीज सीखी है इससे ठीक है सर। ये राइटर क्या है सर, क्या इस बुक के राइटर कौन जॉन वाकन बीच? है? ओके ये है ओके सर। सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हैं ठीक है, अच्छा इसमें ये है उसके ऑथर जॉन वर्कमिच, मिस्टर एक्सल करके आप लोग देखते होंगे ना एक्सल इस पे इंटरनेट पे, मिस्टर एक्सल उन्हीं का लिखा हुआ ओके है। ठीक है यहाँ पे ये बुक आप लोगों को मैं रिपीट करूंगा, इसके अलावा और भी है लेकिन बुक है ये, इससे अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके एग्जाम्पल जो है हमारे रियल लाइफ से मिलते हैं इसलिए,
मैंने ऐसी कोई लिंक है जिसमें प्रोग्राम बनाने का कुछ बताया हो कि ये प्रोग्राम बनाने का हम बताएंगे ना सर। अभी अभी आप देखिए, प्रोग्राम अभी तभी बनाएंगे ना जब तक आप ऑब्जेक्ट को नहीं जानेंगे। जब सब जैसे आप वर्ड मीनिंग नहीं सीखेंगे तब तक क्या इंग्लिश लिख पाएंगे, बोल पाएंगे सर? नहीं। सेम उसी तरह से अभी मैंने आपको वर्कबुक पे हैंडल करना सिखाया, कल हम आपको सीट पे हैंडल करना सिखाएंगे, फिर अगली क्लास में हम आपको रेंज बताएंगे, जो आप वर्कशीट वर्कबुक रेंज समझ जाएंगे। फिर हम प्रोजेक्ट देंगे कि हाँ भाई फॉर्म कैसे आएंगे, हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम काम तो रेंज पे ही करेंगे ना सर। काम ठीक है, तो नहीं किसी आएगा। फाइल पे नहीं करेंगे, किसी सीट पे नहीं करेंगे, हम डेटा की कोई भी लगाना है, फिल्टर लगाना है, हमें चार्ट लगाना है, वो तो एक रेंज भी होता है, डेटा भी होता है ना। हाँ नहीं ठीक है, अगर आगे आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। हाँ वो सब चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन पहले एक ही बार बता दूंगा सर कि ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो मैंने वर्कबुक के बारे में बताया, पहले वर्कबुक के साथ खेलना सीखिए। जैसे आप शुरुआत में जब एक्सेल सीखने आप गए थे, पहला बार जब किसी ने एक्सेल आपको बताया था, तो आपने क्या सीखा था? फाइल क्रिएट करना, फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना सीखा था ना? हेलो, आवाज कट गई आपकी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, सर, आवाज भी कट रही है आपकी। अब ठीक है? हेलो, आप सब ठीक ठीक है? आवाज मेरी आवाज अब कट रही है सर। कट रही है? जा रही है बस। ठीक है, तो मैंने फाइल मैं आपको मेल कर दी है, आप लोग उसमें प्रैक्टिस करें, फिर कल मिलते हैं, फिर कल हम डिस्कस करेंगे सीड्स के ऊपर। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन है मेरा, जो प्रोग्रामिंग बना जो बना आप कोड लिख रहे थे ना, उसमें वो हाँ, अगर लाएंगे वापस से। हाँ अब ये एक्चुअल एक्टिव वर्कबुक में मैंने थोड़ा मिस कर लिया, SFP जो लिखा है वो क्या बताना जा रहे थे आप उसमें? इसमें क्या SFActiveWorkbook.name तो वो क्या चीज बता रहे थे उसमें? अच्छा, हम ही बता रहे ये हैं। इक्वल की प्रॉपर्टी और उसका उससे पूछ रहा है, ये इक्वल जो लगा रहे हैं हम उस चीज के बारे में। इसलिए हमने बताया था कि मैं दो हमने बताया समझाया आपको कि एक्शन दो तरह के होते हैं, पहला होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। मेथड में हम स्पेस देते हैं उसकी डिटेल देने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है चैप्टर स्पेस। पर प्रॉपर्टीज में हम इक्वल देते हैं। तो प्रॉपर्टीज दो तरह से होते हैं, एक तो कि पासवर्ड आपने सेट कर दिया, दूसरा मान लीजिए कि आपको फाइल का नाम पता करना है, उसका पाथ पता करना है, तो वो चीजें भी आप प्रॉपर्टीज से ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये प्रॉपर्टीज जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इंफॉर्मेशन लेने वाला कोई चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे 20+60 हमने कर दिया, इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? 80 हो स्टोर कहाँ होगा? इसके लिए हमें कोई वेरिएबल देना होगा ना कि डी इक्वल टू 20+60, तो जो 80 है डी पे स्टोर हो जाएगा। उसी तरह अच्छा, जो फाइल का नेम है वो एस पे स्टोर हो जाएगा, फाइल का जो इसका फुल नेम है वो एफ पे स्टोर हो जाएगा, जो पाथ है वो पी पे स्टोर हो जाएगा। अमन जी 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट में, वे क्लास को चल रही है, खत्म करके स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो अगली बैच का टाइम फोन आ गया है तो आज रहने देते हैं, कल मिलते हैं बाकी चीजों पे। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।